बहुत समय पहले की बात है, सोनपुर नामक गांव में करिश्मा अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रहा करती थी। करिश्मा बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा सुंदर उसके काले घने रेशम जैसे बाल बनाते थे। करिश्मा की बालों की तारीफ पूरे गांव में होती थी। इसी तरह करिश्मा अपने माता पिता के साथ अपना खुशहाल जीवन बिता रही थी। अचानक करिश्मा की इन खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। करिश्मा की माँ अचानक बहुत बीमार हो जाती है और वह करिश्मा और अपने पति को अपने पास बुलाती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, करिश्मा अभी 10 वर्ष की है, उसे माँ की ममता की जरूरत है। अब मुझे नहीं लगता मैं कभी खड़ी हो पाऊंगी, मेरा समय आ चुका है, आपको करिश्मा के लिए दूसरा विवाह करना होगा। करिश्मा की माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और करिश्मा की देखभाल तुम ही करोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। करिश्मा की माँ इतना कहते ही दम तोड़ देती है। करिश्मा और उसके पिता राम प्रकाश दोनों बहुत रोते हैं। पिताजी, माँ अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? अभी तो वो हमसे बातें कर रही थी। पिताजी, माँ से कहिए ना कि वो मुझसे बातें करे, वो इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। करिश्मा मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है, अब वह कभी अपनी आंखें नहीं खोलेगी, तुम्हें सब्र करना होगा। अभी मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मेरी प्यारी बच्ची। ऐसा कहकर राम प्रकाश अपनी बेटी को दिलासा देता है और कुछ समय बाद अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर देता है। राम प्रकाश करिश्मा का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन एक माँ की तरह फिर भी नहीं रख पा रहा था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह रही थी। तभी राम प्रकाश को अपनी पत्नी की बात याद आती है। उसने कहा था करिश्मा को उसके जाने के बाद एक माँ की ममता की जरूरत होगी। यह सोचकर राम प्रकाश करिश्मा की अच्छी देखभाल के लिए कविता नाम की एक औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। कविता की भी एक बेटी थी सुमन, जो करिश्मा से बड़ी थी। राम प्रकाश कविता और सुमन को अपने साथ घर ले आता है, जिसे देखकर करिश्मा कहती है, पिताजी पिताजी, आपके साथ ये कौन है? करिश्मा बेटा, ये तुम्हारी नई माँ कविता है और तुम्हारी बड़ी बहन सुमन, आज से तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। तुम्हें एक माँ की कमी महसूस होती थी ना, अब यह कमी दूर हो गई है और तुम्हें एक बड़ी बहन भी मिल गई। तभी कविता भी करिश्मा से कहती है, करिश्मा बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसा ही प्यार करूंगी, कभी तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। जैसे मेरी बेटी सुमन है वैसे ही तुम हो, बस तुम सुमन से 2 साल छोटी हो। करिश्मा कविता की बातें सुनकर खुश हो जाती है। करिश्मा को कविता के अंदर अपनी माँ की परछाई नजर आ रही थी, लेकिन करिश्मा इस बात से अनजान थी कि कविता कितनी दुष्ट और बुरे स्वभाव की औरत है। उसने सिर्फ राम प्रकाश से शादी इसलिए की ताकि वह सुमन को एक अच्छा जीवन दे सके। कविता ने शुरू शुरू में करिश्मा को प्यार किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे कविता ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सुमन भी करिश्मा से बहुत जलती थी, उसके काले घने बालों से, क्योंकि सुमन के बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, उसके बाल बहुत हल्के और छोटे थे। एक दिन सुमन और करिश्मा पड़ोसन की बेटी जूही के बर्थडे पार्टी में जाती हैं। वहाँ कुछ लड़कियाँ सुमन का बहुत मजाक उड़ाती हैं। अरे सुमन, तुम्हारे बाल तो बहुत छोटे हैं, इन बालों से तुम कितनी अजीब लगती हो, और तुम्हारी छोटी बहन करिश्मा के बाल कितने ज्यादा सुंदर है, इन बालों की वजह से करिश्मा कितनी सुंदर लगती है, बिल्कुल परियों की तरह, और एक तुम्हें देखो। नंदनी, पहली बात तो ये मेरी बहन नहीं है, मेरी सौतेली बहन है, मैं कभी इसे अपनी बहन नहीं मानती। आज तो तुमने मेरे बालों का मजाक उड़ा दिया, अगर आज के बाद तुमने मेरे बालों का मजाक उड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर सुमन बहुत गुस्से में पार्टी छोड़कर घर आ जाती है और घर आने के बाद अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है
जूही के बर्थडे पार्टी में क्या हुआ, वहाँ सब लोगों ने मेरे छोटे बालों का बहुत मजाक उड़ाया और करिश्मा की बच्ची की सभी तारीफ करते करते नहीं थक रहे थे। इसके बाल कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, इन बालों की वजह से करिश्मा कितनी सुंदर लगती है, मुझे बहुत बुरा लगा माँ। क्या मेरी बच्ची, ऐसा हुआ? अब इस करिश्मा करमजली का बाहर जाना बंद, अब ये किसी पार्टी में नहीं जाएगी। इसकी वजह से मेरी बेटी की इंसल्ट हो ये मैं नहीं देख सकती। अब ये घर का सारा काम करेगी, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो कहीं जा भी नहीं पाएगी, शादी पार्टी में सिर्फ मेरी बेटी ही जाएगी। ऐसा कहकर कविता अगले दिन करिश्मा के पास जाती है और उससे कहती है, सुन मनहूस, आज से तेरा बाहर जाना बंद, अब तू घर का सारा काम करेगी, झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, इस्त्री करना और किचन मैं संभालूंगी। मगर माँ, मैं तो अभी 11 वर्ष की हूँ, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, आराम से खा खा कर मोटी तो हो रही है, अब मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया तो कह दिया, तू सारा काम करेगी और बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। ऐसा कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। करिश्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, अपने पिता से भी कुछ नहीं कह सकती। करिश्मा चुपचाप घर का काम करना शुरू कर देती है। इतनी छोटी उम्र में करिश्मा झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, इस्त्री करना सभी काम करती है, करिश्मा को थोड़ा भी समय नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ सुमन हर कहीं घूमने जाया करती थी, अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुमन और करिश्मा दोनों बड़ी हो जाती हैं। एक दिन कविता राम प्रकाश से कहती है, अजी सुनिए ना, सुमन की शादी की उम्र हो चुकी है, अब अच्छा सा लड़का देखकर हमें अपनी बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, करिश्मा और सुमन की शादी हम अच्छे घराने के दो लड़के देखकर करा देंगे। देखो जी, करिश्मा के साथ मैं अपनी बेटी सुमन की शादी नहीं करूंगी, सुमन बड़ी है तो सुमन की शादी पहले होगी, करिश्मा के बारे में हम बाद में सोचेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम पहले सुमन की शादी करेंगे। मेरी नज़र में मेरे दोस्त का एक लड़का है अर्जुन, अच्छे घराने का है, कल मैं उन्हें अपने घर बुला लेता हूँ। ऐसा कहकर राम प्रकाश अगले दिन अपने दोस्त के परिवार को बुला लेता है। लड़के वाले आ जाते हैं, सुमन भी बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है। करिश्मा किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। अर्जुन की माँ सुमन को देखकर कहती है, देखो बहन जी, बुरा मत मानना, लेकिन सुमन के बाल बहुत छोटे हैं और मेरे बेटे को लंबे घने बाल पसंद है, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा मगर हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। अर्जुन की माँ ऐसा कह ही रही थी तभी करिश्मा नाश्ता लेकर आ जाती है। करिश्मा को देखते ही अर्जुन पहली नजर में उसे पसंद कर लेता है और अर्जुन की माँ को भी करिश्मा बहुत पसंद आती है। तभी अर्जुन की माँ कहती हैं, अरे भाई साहब, ये चांद सा टुकड़ा आपने कहाँ छुपा कर रखा था, ये कौन है? यह मेरी छोटी बेटी करिश्मा है। देखिए भाई साहब, हम आपके घर से रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हैं, अगर हमें आपकी बड़ी बेटी पसंद नहीं तो हमें आपकी छोटी बेटी पसंद है। मैं अपने बेटे अर्जुन की शादी आपकी छोटी बेटी करिश्मा से कराना चाहती हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो आप अपनी छोटी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे सकते हैं। नहीं, अगर आपको हमारी बड़ी बेटी पसंद नहीं है तो हम अपनी छोटी बेटी की भी शादी आपके घर में नहीं करेंगे। ऐसा कहकर कविता लड़के वालों को अपने घर से भगा देती है। कुछ समय बाद सुमन अपनी माँ से कहती है, माँ, अगर ऐसे ही छोटे बालों की वजह से मेरे रिश्ते टूटते रहे तो इस तरह से तो मेरी कहीं शादी नहीं होगी और हर कोई उस करिश्मा की बच्ची को ही पसंद करके जाएगा, आप किस किस से करिश्मा की शादी नहीं होने देंगी, एक ना एक दिन अच्छे घराने में उस कलमोही की शादी हो ही जाएगी और मैं हमेशा घर में ही बैठी रह जाऊंगी। नहीं, कुछ तो करना होगा, करिश्मा करमजली की सुंदरता उसके बालों से है, अगर उसके बाल ही नहीं रहेंगे तो किस चीज की सुंदरता, उसके बाद देखना उसकी कहीं शादी नहीं होगी और मैं अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी तो करा ही दूंगी और वो हमेशा इस घर में नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। ऐसा कहकर कविता रात हो जाने के बाद करिश्मा के सभी बाल काट देती है। करिश्मा सुबह उठकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके बाल बिल्कुल नहीं थे। करिश्मा रोते हुए बाहर आती है, माँ, पता नहीं रात को मेरे बाल किसने काट दिए, माँ, सुमन दीदी मेरे बालों से बहुत जलती थी, कहीं उन्होंने ही तो मेरे बाल नहीं काट दिए, मैं गंजी हो गई।
करिश्मा के इतना कहते ही कविता उसके जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, पता नहीं अपने अच्छे बाल रखने के लिए कैसे कैसे केमिकल यूज करती है और ऊपर से मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगा रही है। आज तो तूने ऐसा कह दिया, अगर आज के बाद तूने ऐसा कहा तो मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अब यहाँ खड़े होकर रोती रहेगी या फिर मार्केट से सामान भी लेकर आएगी, चल यहाँ से। करिश्मा रोते हुए मार्केट से सामान खरीदने चली जाती है। उसे गंजे होने का बहुत ज्यादा दुख होता है। करिश्मा मार्केट से सामान खरीद कर लेकर आ रही थी, तभी करिश्मा की नजर एक हेयर बैंड पर जाती है, जिसे देखकर करिश्मा कहती है, अरे कितना ज्यादा सुंदर हेयर बैंड है, लेकिन मेरे किस काम का, मेरे तो बाल ही नहीं है। अगर मेरे पहले जैसे बाल होते तो मैं इस सुंदर से हेयर बैंड को अपने बालों में लगाती, कितना अच्छा लगता। करिश्मा ऐसा कह ही रही थी तभी उस हेयर बैंड से आवाज आती है, क्योंकि वह कोई मामूली हेयर बैंड नहीं था, वो जादुई हेयर बैंड था। देखो लड़की, मुझे अपने सर पर लगा लो, क्योंकि मैं एक जादुई हेयर बैंड हूँ, मेरे लगाने से तुम्हारे पहले जैसे बाल आ जाएंगे। जादुई हेयर बैंड के इतना कहते ही करिश्मा खुश हो जाती है और उसे अपने सर पर लगा लेती है। जादुई हेयर बैंड लगाते ही करिश्मा के बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। करिश्मा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी करिश्मा के सामने एक परी आ जाती है और वह परी करिश्मा से कहती है, करिश्मा मुझे यहाँ तुम्हारी स्वर्गवासी माँ ने भेजा था और मैंने ये जादुई हेयर बैंड तुम्हारे लिए यहाँ रखा था। करिश्मा तुम्हारे सभी बाल तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने मिलकर काटे हैं ताकि तुम्हारी कहीं शादी ना हो सके। परी की बात सुनने के बाद करिश्मा को बहुत दुख होता है और वह घर वापस नहीं जाती। अपने पिताजी को फोन करके अपने पास बुलाती है और उन्हें सब सच्चाई बता देती है। सच्चाई जानने के बाद राम प्रकाश को बहुत ज्यादा दुख होता है। करिश्मा बेटा, कविता और सुमन ने तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार किया। मैंने कविता से शादी सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए की थी। अगर मेरे बेटे को खुशियां उसने नहीं दी तो उसे भी खुश रहने का कोई हक नहीं है। अब मैं सुमन और कविता को अपने घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर राम प्रकाश घर जाने के बाद कविता और सुमन को अपने घर से धक्के मार कर निकाल देता है। और कुछ समय बाद करिश्मा की बहुत धूमधाम से अर्जुन के साथ शादी करा देता है। कविता और सुमन को उनके के का फल मिल जाता है।